Drop it. हेलो स्टूडेंट्स, हैं मैं ऑडिबल गाइस? प्लीज मुझे रिस्पांस करो। चलो, क्या आपको आवाज आ रही है? यस और नो? चलो, आई होप अभी सब कुछ अच्छा होगा, राइट? आई होप अभी आपको अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। बोलो जल्दी से, प्लीज मुझे बोलो। चलो देखो गाइस, अभी ये सब है ना टेक्निकल चीजें, सही है? इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, सही है ना? आई होप आप सब लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, यस और नो? है ना, आई होप आप सब लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे। और ये जो भी वीडियो है गाइस, ये अनलिस्टेड वीडियो है, सही है? मतलब ये सिर्फ वही लोगों को दिखेगा जिसके पास इसके लिंक रहेगा, सही है? तो मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, प्लीज गाइस ये लिंक किसी को भी शेयर मत करना, ठीक है? क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर कैसे होता है ना, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है, सही है ना? यूट्यूब पे मेरे हाथ में नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज ये लिंक किसी को भी देना मत, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, फिर जो भी लोगों ने फीस पे की है उनका नुकसान हो जाएगा, सही है? तो आई होप आप उतना मुझे कोऑपरेट करेंगे, सही है? चलो एक बार एक काम कर दोस्तों, अपना जो भी ग्रुप है ना, अपने ग्रुप में जल्दी से डाल दो, फटाफट डाल दो, ठीक है? कि सर लाइव आ गए करके जल्दी से कनेक्ट कर लो। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे कि यूट्यूब बंद है। अरे आप कनेक्ट करो जल्दी से, ठीक है? मुझे फटाफट करके कनेक्ट कर लो, एकदम जल्दी जल्दी मुझे कनेक्ट कर लो, ठीक है? मुझे दोस्त आपको मैं 10 मिनट दे अपना 10 मिनट बोलता 10 सेकंड देता हूँ, ठीक है? आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज मुझे जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेना, ठीक है? फटाफट। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट कर देते गाइस, ठीक है? अपन अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते, जाने दो, ठीक है? जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है, क्या बोलूं मैं और, है ना आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, ठीक है? होता है, कोई बात नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, सही है ना? ओके चलो यार, अभी क्या, अभी इतने लोग तो कनेक्ट हो गए मुझे, क्या बोल रहे हो यूट्यूब बंद करके? चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जाने दो, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, अपना जो भी लास्ट लेक्चर था, सही है? लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्या सिखाया था रे? कोई बात नहीं, एकदम आराम से, पूरा मैं आपको पहले से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी गाइस, पूरा मैं आपको हर एक चीज पहले से पढ़ा दूंगा, सही? अच्छे से ध्यान देना सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, देखो दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था, सही है? प्लीज ध्यान देना, अभी एकदम अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो दोस्तों, जो भी अपना लास्ट लेक्चर था, सही है? लास्ट लेक्चर में अपन ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, यस और नो बोले जल्दी से। और वो लेक्चर मैंने आपको क्या किया था बोलो, तो मैंने आपको दोस्तों एग्जैक्टली मैंने आपको अलग अलग चीजें पढ़ी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको पढ़ाया था दोस्तों पार्टनरशिप क्या होता है, सही है? फिर आपने देखा था कि पार्टनरशिप का जो भी हमको अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी क्या जरूरत है, या कोई भी पर्सन को जिसको भी बिजनेस करना है वो पार्टनरशिप में आके बिजनेस क्यों करता है, ये सब चीजें मैंने देखी थी, राइट? फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था बोलो, यस, जो भी पार्टनरशिप होता है, राइट, वो पार्टनरशिप में क्या होता है बोले, एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है बोले, एक एग्रीमेंट होता है, सही है? ओरल एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट, ऐसे अपन ने कुछ देखा था, सही है? और उसके बाद दोस्तों लास्टली हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ देखा था, यस और नो बोलो, यस और नो, मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, सही है? और वो होने के बाद दोस्तों मैंने आपसे आपके पास एक सम सॉल्व करवा के लिया था, सही है? वो था आपका क्वेश्चन नंबर 1, वो कौन सा था बोले जल्दी से, आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवा के लिया था, ठीक है? और मैंने आपको क्या कहता था दोस्तों, तो जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट, सन एंड मून का, कौन सा, सन एंड मून का, सही है? तो वो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो क्या आप लोगों ने सॉल्व किया क्या, मुझे जल्दी से बोलो, चलो प्लीज मुझे जल्दी जल्दी बोलो कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था होमवर्क को, क्या आपने उसको सॉल्व किया क्या, प्लीज मुझे रिस्पांस करो, प्लीज मुझे रिस्पांस करो जल्दी से फटाफट, ठीक है ना? ओके, अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना दोस्तों, इसको अपन एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद अपन आज का नया टॉपिक एक बार स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे हो सकता ना कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया करके, राइट? तो 2 मिनट में अपन पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद अपन अगले जो भी आज के कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? चलो अभी अच्छे से ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? देखो दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है सन एंड मून वेयर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है? मतलब क्या है दोस्तों कि दो पार्टनर्स है, कौन से पार्टनर है बोलो, पहला है आपका सन और दूसरा है आपका मून, सही है? और उनका उन्होंने यहाँ पे अपने को कैपिटल दिया, कितना दिया बोले जिससे, सन का 10 लाख दिया है, और मून का कितना दिया बोले जिस दोस्तों, यहाँ पे 5 लाख दिया, मून का कितना दिया बोले जिससे, यहाँ पे 5 लाख दिया है, सही है? अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ,
अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है। अभी देखो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है वो, द एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या बोल रहा है वो, द एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 बोल रहा है, सही है। मतलब पार्टनर का जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको वो कैसे शेयर करेंगे बोलो, 3:2 रेशियो में शेयर करेंगे। कैसे करेंगे बोलो, 3:2 में वो शेयर करेंगे, सही है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो जल्दी से, सो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन बोथ द केसेस, राइट। मतलब क्या वो बोल रहा है, अगर वो पार्टनरशिप जो भी है अगर उन्होंने फिक्स्ड कैपिटल, अगर उन्होंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर फॉलो किया तो वो टाइम पे पार्टनर्स जो भी अकाउंटिंग होगा वो कैसे होगा, और अगर हमने कैपिटल अकाउंट अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर फॉलो किया या सॉल्व किया तो वो केस में हमारा अकाउंटिंग कैसे होगा, ऐसे उन्होंने हमको पूछा है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बोला, कुछ एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे उन्होंने बोला है, सही है। और उन्होंने नीचे अपने को यहाँ पे डेटा दिया, जैसे उन्होंने क्या बोला है कि हमने ड्यूरिंग देयर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ड्रॉइंग्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऐसे आपको उन्होंने अलग अलग चीजें यहाँ पे दे दी है, सही है। अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान देना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। कौन से मेथड के अंदर करूंगा बोलो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जब भी मैं कोई भी प्रॉब्लम को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सॉल्व करूंगा तो मैं कौन से अकाउंट बनाऊंगा, मुझे जल्दी जल्दी बोलो। चलो जब भी मैं दोस्तों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो मैं कौन से अकाउंट बनाऊंगा, क्या आप मुझे बोल सकते हो क्या, प्लीज मुझे बोलो चलो जल्दी से। यस, मैं सिर्फ और सिर्फ बनाऊंगा दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाऊं बोलो जल्दी से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना दूंगा, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बनाऊंगा बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना, सही है ना, एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आंसर शीट पे जाता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही है। चलो आप में से मुझे कोई बोल सकता है, कह रहे पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट क्या आएगा, आप में से मुझे कोई बोल सकता है क्या, बोलो इसका फॉर्मेट क्या आएगा, बोलो जल्दी से। यहाँ पे आएगा दोस्तों पर्टिकुलर्स, और कौन से पार्टनर, देखो जल्दी से क्वेश्चन में, सन एंड मून, ये दो लोग पार्टनर, कौन से पार्टनर है बोलो, सन एंड मून, ये दो लोग पार्टनर है, सही है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ पर्टिकुलर्स सन मून, है ना, और यहाँ पे भी वैसा ही आएगा, क्या आएगा बोलो, पर्टिकुलर्स सन एंड मून, पर्टिकुलर्स सन एंड मून, सही है। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बोलो, फॉर्मेट बना दिया, ठीक है, यहाँ पे डी आर, यहाँ पे सी आर, सही है। अभी आप मुझे बोलो, अपन जो भी यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे वो कौन से मेथड से बना रहे बोले, सबसे पहले अपन यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बना रहे, कौन से मेथड से बना रहे बोलो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम बना रहे, सही है ना। तो ये केस में आप मुझे बोलो ना कि जो भी आपने कोई भी एडजस्टमेंट रहने दो, भले भले ही फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रहने दो, सैलरी का रहने दो, कमीशन का रहने दो, हर एक एडजस्टमेंट किधर जाएगा बोलो, आपके आपका जाएगा दोस्तों वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कहाँ पे जाएगा बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक एडजस्टमेंट जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, अभी देखो सबसे पहले क्या दिया दोस्तों उन्होंने, यहाँ पे हमको उन्होंने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दिया, कौन सा दिया बोलो, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दिया, सही है। अभी सन का कितना है देखो 10 लाख, और मून का कितना है देखो 5 लाख, सही है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, आंसर शीट में जाऊंगा और वहां पे मैं जो लिखूंगा दोस्तों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बोलो सन का जल्दी से, सन का था दोस्तों मेरे यहाँ पे 10 लाख, सन का कितना था बोलो 10 लाख है, और मून का कितना है बोलो 5 लाख है, मून का कितना है बोलो 5 लाख से, समझा। अरे कुछ नहीं, हमेशा याद रखना जो भी पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स के कैपिटल को हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो भी होता है ना वो क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा होता है बोलो, क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे अगर उन्होंने हमको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल दिया है ना, इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस इसलिए मैंने कहाँ पे लिखा बोलो, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, एकदम इजी था, प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, करो जल्दी से फटाफट फटाफट बोलो चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, ठीक है। आगे जा रहा हूं, ध्यान देना आगे के लिए क्या, देखो जल्दी दोस्तों उन्होंने आगे क्या बोल रहे, देखो द एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बोलो, जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट हो या लॉस होगा, राइट, वो कौन से शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोलो, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से शेयर में करेंगे बोलो, 3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझा, वो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, सही है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो जल्दी से वो, सो आगे क्या बोल रहे, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2,25,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, अभी आप मुझे एक बात बोलो, सही है। जब भी कोई भी पार्टनर हमारे पार्टनर के जब भी कोई भी पार्टनर हमारे बिजनेस में अगर पैसा लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है बोलो, पैसा लेके आ रहा है, सही है।
तो वो कौन सी एंट्री पास करता है? क्या आप मुझे बोल सकते हो? क्या बोलो? जब भी कोई भी पार्टनर हमारे बिजनेस में अगर कुछ पैसा लेके आ रहा है, पैसा लगा रहा है, तो कौन सी एंट्री करता है? बोलो, वो एंट्री करेगा दोस्तों यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी एंट्री करेगा? बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझा क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? तो इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखूंगा बाय कैश। क्या लिखूंगा? बोलो, बाय कैश लिखूंगा। समझा कि नहीं समझा? मुझे सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? मुझे सब लोगों का आपके चैट्स में रिस्पॉन्स चाहिए। क्या आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? बोलो, बाय कैश अकाउंट लिखूंगा। क्या करूंगा? बोलो, बाय कैश अकाउंट। सही है। और ये किसका एंट्री किया अपने दोस्तों? एडिशनल कैपिटल का। किसका एंट्री किया? बोलो, एडिशनल कैपिटल का एंट्री किया। सही है। अभी आप मुझे जल्दी से बोलो, जो भी सन है उसका कितना बैलेंस है? बोलो, 2,25,000। और जो भी मून है उसका कितना बैलेंस है? बोलो, 1,50,000। सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 2,25,000, और मून का कितना लिखूंगा? बोलो, 1,50,000। मून का कितना लिखूंगा? बोलो, 1,50,000। यहां तक क्लियर है क्या? अरे ओए, यहां तक क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से, फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स करो। यहां तक क्लियर है क्या? यस और नो? क्या मैं आगे जा सकता हूँ क्या? बोलो, आगे जा सकता हूँ क्या? बोलो जल्दी से, ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो क्या बोल रहा है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उसने, ठीक है? अभी ना दोस्तों सुनो, हमेशा याद रखना, ठीक है? जब भी आपको कोई भी आइटम दिया होगा ना, तो आपको ये देखना है कि उसकी वजह से आपके पार्टनर का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, कि जब भी आपका बिजनेस का फर्म ये पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, क्या देगा? बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो उसकी वजह से दोस्तों पार्टनर का फायदा होगा या नुकसान होगा? प्लीज मुझे बोलो। जब भी हमारा बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, उसकी वजह से हमारे बिजनेस का फायदा होगा या नुकसान होगा? आप मुझे बोल सकते हो क्या? बोलो, यस, फायदा होगा। सही है। और फायदा मतलब बोले जल्दी से, कहाँ पे जाएगा? बोलो, वो जाएगा अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। हमेशा एक बात याद रखेंगे, बोलो, कि जब भी हमारे पार्टनर को कोई भी पैसा अगर मिलने वाला रहेगा ना, तो हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। कहाँ पे लिखना है? बोलो, क्रेडिट साइड में लिखना है। सही है। और जब भी हमको कोई भी पैसा ये पार्टनर के पास से लेना होगा ना, तो हमको वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है। कहां पे लिखना है? बोलो, डेबिट में लिखना है। समझा? तो अभी यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर का फायदा हो रहा है। सही है। और फायदा मतलब कहां पे लिखेंगे? बोलो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अभी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझ लो। देखो दोस्तों, जब भी ना हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, क्या बोला है? बोले जिसे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है। सही है। तो आप मुझे एक बात बोलो, ये जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे ना दोस्तों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस भी, जैसे कि देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सन का शुरुआत का 10 लाख रुपए भी है और मून का शुरुआत का 5 लाख रुपए भी है। सही है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ कैपिटल ऐड किया। क्या किया बोले जिसे उन्होंने? ड्यूरिंग द ईयर भी उन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए ना। तो आप मुझे एक बात बोलो, पार्टनर ने जो भी एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस में लाए, पार्टनर जो भी क्या किया बोलो, एडिशनल कैपिटल हमारे बिजनेस में लेके आए, तो क्या वो एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी हमारे फर्म को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? आप मुझे बोलो ना, कि देखो पार्टनर ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस में लेके आया। सही है। तो जो भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर हमारे बिजनेस में लेके आया, क्या उसके ऊपर भी हमारे पार्टनरशिप फर्म ने वो पार्टनर को इंटरेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्लीज मुझे बोलो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो, ऑब्वियसली देना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या? और आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, कि ये जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पार्टनर भले ही एडिशनल कैपिटल लेके आया, पार्टनर भले ही क्या बोलो, एडिशनल कैपिटल लेके आया है, यहां तक मुझे कोई डाउट नहीं, राइट? लेकिन पार्टनर ने वो एडिशनल कैपिटल कभी लाया, उसका डेट हमको दिया है क्या? बोलो, पार्टनर ने वो एडिशनल कैपिटल कब लाया, इसका डेट हमको दिया है क्या? बोलो, नहीं दिया है। सही है। तो इसलिए अपन क्या एज्यूम करेंगे दोस्तों, पार्टनर ने जो भी एडिशनल कैपिटल हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, पार्टनर ने जो भी एडिशनल कैपिटल हमारे बिजनेस में लाया है, वो एडिशनल कैपिटल का अपन जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो अपन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का लेंगे। कितने मंथ का लेंगे? बोलो, 6 मंथ का लेंगे। सही है। ये जो भी टॉपिक है ना, अभी जो मैं आपको एडिशनल कैपिटल का सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन का ये क्रक्स है। ध्यान में आ रहा है क्या? यही ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, एक काम करो फिर दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, मैं आपको एक बात करता हूँ। यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट में अपन लिखेंगे दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलो? इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझा क्या? समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अभी कैसे करने का ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना, आपको हर एक चीज क्लास में समझ जाएगा। ठीक है, अभी देखो पार्टनर कौन कौन है दोस्तों। तो पार्टनर यहाँ पे सन एंड मून, कौन कौन पार्टनर है बोलो? सन एंड मून यहाँ पे पार्टनर है। सही है। चलो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सन,
यहां पे मैं लिखता हूं मून, सही है। अभी सन का ओपनिंग कैपिटल कितना था बोलो मेरे यारों जल्दी से। सन का ओपनिंग कैपिटल था दोस्तों यहाँ पे 10 लाख, कितना था बोलो 10 लाख है, सही है। और मून का कितना था बोलो जल्दी दोस्तों, मून का था 5 लाख, मून का कितना था बोलो यहाँ पे 5 लाख है, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, अभी आप मुझे एक बात बोलो, जो भी ओपनिंग कैपिटल है दोस्तों, क्या ये कैपिटल वो पार्टनरशिप फर्म ने पूरे साल यूज किया होगा क्या, नहीं यूज किया होगा बोलो। जो भी आपका पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल ये फर्म ने या पार्टनरशिप फर्म ने या बिजनेस ने पूरे साल यूज किया होगा क्या, नहीं किया होगा बोलो, ऑब्वियसली किया होगा, सही है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो भी 10 लाख का कैपिटल है ना, ये 10 लाख के ऊपर अपन 5% से जो भी इंटरेस्ट लेंगे वो पूरे के पूरे दोस्तों 12 मंथ का लेंगे। कितने मंथ का लेंगे बोले दोस्तों, 12 मंथ का लेंगे, पूरे के पूरे 12 मंथ का लेंगे, समझा। और वैसे ही अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो भी मून का भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, ये मून के कैपिटल के ऊपर भी अपन क्या करेंगे बोलो, 5% से पूरे के पूरे 12 मंथ का लेंगे, समझा। क्योंकि ये क्या है बोला आपका, ओपनिंग कैपिटल है। कौन सा कैपिटल बोला आपका, ओपनिंग कैपिटल है, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, 10 लाख का 5% कितना रहे प्लीज आप मुझे जल्दी से बोलो, 10 लाख का 5% कितना बोलो। ये आएगा दोस्तों, 10 लाख का 5% आएगा मेरा यहाँ पे 50,000, कितना आएगा बोलो 50,000, राइट। और मून का देखो कितना आ रहा है जल्दी से, 5 लाख का 5% करो जल्दी से, चलो 5 लाख का 5% करो, वो आएगा दोस्तों मेरा 25,000, कितना आएगा बोले जल्दी से मून का दोस्तों, 25,000 आएगा, सही है। ओके, ये तो अपना सिर्फ ओपनिंग कैपिटल हो गया, सही है। ये ओपनिंग कैपिटल का सन का हो गया और ओपनिंग कैपिटल का मून का हो गया, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बोलेंगे दोस्तों कि जो भी ये सन है या जो भी ये मून है, राइट, उन्होंने एडिशनल कैपिटल भी ड्यूरिंग देयर लाया कि नहीं लाया बोलो। जो भी सन है या जो भी मून है, उन्होंने ड्यूरिंग देयर एडिशनल कैपिटल भी लाया कि नहीं लाया बोलो, लेके आए, सही है। तो आप मुझे बोलो ना, सन ने कितना एडिशनल कैपिटल लाया है दोस्तों, यहाँ पे सन लेके आया 2,25,000 और मून लेके आया दोस्तों 1,50,000, सही है। और हमको डेट नहीं दिया है, मतलब हम क्या अज्यूम करेंगे बोलो, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के बीच में लाया है, सही है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो भी सन का एडिशनल कैपिटल, जो भी सन का क्या बोलो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल है दोस्तों, कितना है बोले जल्दी से, 2,25,000, राइट, इसके ऊपर मैं 5% लूंगा, लेकिन कितने मंथ का लूंगा बोलो, 6 मंथ का लूंगा, कितने मंथ का लूंगा बोलो, 6 मंथ का, राइट। वापस मैं वापस बोलता हूं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर 6 मंथ का क्यों ले रहे हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना हमको क्वेश्चन में पार्टनर ने जो भी एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेके आ रहे उसका हमको डेट दिया हुआ नहीं है, सही है। और जब भी हमको डेट नहीं दिया रहेगा तो हम एज्यूम करेंगे वो ड्यूरिंग द ईयर लाए है, मतलब साल के बीच में लाए है, मतलब हम 6 मंथ के लिए वो कैपिटल को यूज करेंगे, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे समझ रहे क्या बोलो, यस और नो मुझे प्लीज सब लोग रिस्पॉन्स करो, क्या आपको अच्छे समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो बोले जल्दी से, ठीक है। और वैसे ही क्या करना है बोलो, 1,50,000 के ऊपर भी मुझे 6 मंथ का लेना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा दोस्तों 1,50,000 और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा बोलो, 5% से 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लूंगा, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी से बोलो दोस्तों, 2,25,000 का 5% से 6 मंथ के लिए कितना आता है बोल सकते हो क्या, कितना आएगा बोलो जल्दी से इंटरेस्ट, मेरा आएगा दोस्तों यहाँ पे 5,625, सही है। और इसका कितना आएगा बोलो जल्दी से, 1,50,000 into 5% divided by 2। अभी आप बोले ना मैंने सॉल्व किया करके, तो आप बोल रहे क्यों नहीं हो फिर मुझे आंसर, आप लोग मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे बोले जल्दी से फिर, है ना। चलो बहुत अच्छा है, तो आप मुझे एक काम करो, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द सन बोलो, तो सन का कितना आएगा बोलो, सन का आएगा दोस्तों यहाँ पे 55,625, दोनों को एड किया, सही है मैंने। और वैसे मून का कितना आएगा बोले जल्दी दोस्तों, मून का आएगा अपना 28,750, कितना आएगा बोलो, 28,750 आएगा, समझा कि नहीं समझा बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको समझा कि नहीं समझा, एकदम इजी था कि नहीं था बोलो, अरे इजी है क्या नहीं बोलो जल्दी से गाइस, इजी है क्या नहीं एकदम, यस और नो, एकदम इजी था राइट। चलो तो एक काम करो, अभी आप मुझे बोलो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोस्तों, राइट, ये मैं कहां पे डालूंगा रे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दोस्तों मैं डालूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखूंगा बोलो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे कितना आएगा 55,000, यहाँ पे कितना आएगा बोलो 55,625, यहाँ पे कितना आएगा 28,750, समझा क्या नहीं समझा, इजी था क्या टफ था बोलो, एकदम इजी था ना, यस और नो, एकदम इजी था ना। चलो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, सही है। अभी दूसरा क्या बोल रहा है वो, ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ पे आपको दिया है, सही है।
कितना दिया बोलो, 22,515। सही है। अबे आप मुझे एक बात बोलो, जब भी हमारे पार्टनर है ड्राइंग्स करते हैं, जब भी हमारे पार्टनर क्या करेंगे बोलो, ड्राइंग्स करेंगे, सही है, तो उसकी वजह से पार्टनर का जो भी कैपिटल है वो कम होगा क्या बढ़ेगा? आप मुझे बोलो, ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स मतलब दोस्तों हमारे पार्टनर बिजनेस में से कुछ पैसे को विड्रॉ करेंगे, सही है। तो जब भी दोस्तों ड्राइंग्स होगा उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारा जो भी पार्टनर का कैपिटल है वो कम हो जाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप भी जल्दी से बोलो, ड्राइंग्स कितना है बोलो, सन का 22,500 और मून का कितना है बोलो, 15,000। सही है। एक बात हमेशा रखना, आपको कोई भी चीज की वजह से अगर आपका पार्टनर का कैपिटल अगर कम होता रहेगा तो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, समझा। और जब भी दोस्तों कोई भी रीजन की वजह से अगर आपका पार्टनर का कैपिटल अगर बढ़ता होगा तो क्रेडिट में लिखना है, सही है। चाहिए तो वहां पे लिख के लो, क्या लिख के रखें बोलो, जब भी हमारा पार्टनर का कैपिटल, जब भी हमारा क्या बोलो, पार्टनर का कैपिटल ये अगर डिक्रीज होता रहेगा, क्या होता रहेगा बोलो, अगर जल्दी से डिक्रीज होता रहेगा तो मुझे क्या करना है बोलो, मुझे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, मुझे किसको बोले जल्दी दोस्तों, मुझे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मुझे डेबिट करना है, सही है। और जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये इंक्रीज होगा तो वो केस में दोस्तों मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, समझा। तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स की वजह से, जब भी ड्रॉइंग्स होता है दोस्तों तो उसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल कम होता है, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू ड्रॉइंग, क्या लिखूंगा बोलो, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, समझा। चलो मुझे बोलो जल्दी से कितना ड्रॉइंग्स किया रहे, बोलो जल्दी से इन्होंने, 22,500 और 15,000। तो यहाँ पे लिखूंगा 22,500 और 15,000, समझा कि नहीं समझा बोलो, दो एडजस्टमेंट समझे अच्छे से, एकदम एकदम धीरे धीरे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, आगे उन्होंने दिया दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या दिया बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सही है। अबे आप मुझे एक बात बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी होता है दोस्तों तो फर्म पार्टनर के पास से पैसा लेगा, क्या पार्टनर फर्म को पैसा, फर्म पार्टनर के पास से पैसा लेगा या पार्टनर फर्म के पास से पैसा लेगा, प्लीज मुझे बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में दोस्तों फर्म पार्टनर के पास से लेगा क्या पार्टनर फर्म पास से लेगा, बोलो, फर्म पार्टनर के पास से लेंगे, सही है। तो हमेशा रखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से क्या होता है बोलो, पार्टनर का नुकसान होता है, क्या होता है बोलो, पार्टनर का नुकसान होता है, सही है। और पार्टनर का नुकसान मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा बोलो, कम हो जाएगा, सही है। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम करना है, इसका मतलब दोस्तों हमको क्या करना है बोलो जल्दी से, इसका मतलब हमको क्या करना है बोलो, बोलो जल्दी से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, तू क्या करूंगा बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट में यहाँ पे लिख दूंगा, समझा क्या। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है दोस्तों, देखो जल्दी से, यहाँ पे मुझे दिया है 1350 और 900, कितना दिया बोलो, 1350 और 900, सही है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1350 और 900, एकदम अच्छे समझा, एकदम अच्छे समझा क्या बोलो, यस और नो, मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करो, ठीक है। चलो आगे जा रहा हूं, अभी ध्यान देना, चौथा क्या है दोस्तों, यहाँ पे सैलरी दी है, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, सैलरी की वजह से पार्टनर का फायदा होगा क्या नुकसान होगा, मुझे सब लोग रिस्पॉन्स करो, सैलरी की वजह से क्या होगा बोलो, पार्टनर का फायदा, फायदा मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों बाय सैलरी, बाय क्या लिखता हूँ बोलो, सैलरी। अभी देखो कितनी सैलरी देनी, देखो मुझे सन को जल्दी से 15,000 देना है, कितना देना है बोलो, 15,000 देना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों बाय सैलरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सन केस में 15,000, कितना लिखता हूँ बोलो, 15,000 में लिख रहा हूँ, सही है। चलो आगे देखो जल्दी से, आगे क्या बोल रहा है वो, कमीशन है ना, अभी दोनों को दे रहे, तो कमीशन की वजह से पार्टनर का क्या होगा बोलो, फायदा होगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे लिखूंगा बाय कमीशन, यहाँ पे क्या करूंगा बोलो, बाय कमीशन, ठीक है। कमीशन कितना आएगा बोलो, यहाँ पे जल्दी से 7,500 और 5,250, 7,500 और 5,250, ठीक है। चलो और आगे लास्ट में क्या दिया क्या बोलो, शेयर इन द लॉस, ठीक है, कितना है बोलो, 45,000 एंड 30,000, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जब भी हमारे बिजनेस में लॉस होगा, जब भी हमारे बिजनेस में क्या होगा बोलो, लॉस होगा, राइट। तो वो लॉस का इफेक्ट दोस्तों मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा क्या क्रेडिट में लिखूंगा, प्लीज मुझे बोलो। जब भी मुझे लॉस होगा दोस्तों तो इसका इफेक्ट मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में लिखूं बोलो, ऑब्वियसली मैं उसका इफेक्ट डेबिट साइड में लिखूंगा, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों टू, क्या लिखूं बोलो जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखूं बोलो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। सन का कितना शेयर था बोलो, 45,000 और मून का कितना था दोस्तों, 30,000, सही है।
और ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। क्या करना है बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको क्लोज करना है। सही है, तो देखो जरा आपका कौन सा साइड बड़ा है, फटाफट देखो, चलो फटाफट देखो। ठीक है, यस, पहले मैं मून का टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं मून का टोटल कर लेता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। तो मेरे मून का टोटल आ रहा है दोस्तों, मेरे मून का टोटल आ रहा है, प्लीज ध्यान देना, मेरे मून का टोटल आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 6 लाख। 6 लाख कितना आ रहा है यहाँ पे, 6,83,950 कितना आ रहा है मेरा, 6,83,950 आ रहा है। सही है, तो यही टोटल मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे लिखूंगा डेबिट साइड में 6,83,950, राइट। और इसमें से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, डेबिट साइड का जो भी टोटल है उसको माइनस कर देता हूँ। सही है, तो मेरा आएगा दोस्तों यहाँ पे 6,38,050, और यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। समझा कि नहीं समझा बोलो, ये अपना बैलेंसिंग फिगर है। सही है, और यहाँ पे भी जल्दी जल्दी करो, तो चलो टोटल जल्दी से मुझे बोलो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल मुझे बोलो चलो जल्दी से। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो भी लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, यस, तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, 1,303,125। सही है, 1,303,125, इसमें से डेबिट का माइनस हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे डेबिट का माइनस कर देता हूँ मैं जरा। और कितना आएगा बोलो जल्दी से मुझे दोस्तों, यहाँ पे बोलो जल्दी से कितना आएगा, 1,23,000, सॉरी 1,24,275 आया कि नहीं आया बोलो, इतना आया क्या सबका, सबका आया क्या बोलो जल्दी से इतना। ठीक है, तो ये हमने कौन से मेथड से किया दोस्तों, ये हमने किया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। कौन से मेथड से किया बोलो जल्दी से, हमने ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, अभी इसके बाद हमने कौन से मेथड से करना है बोलो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। कौन से मेथड से करना है बोलो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। सही है, चलो अभी ध्यान देना। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन से अकाउंट अपन बनाते रहे, प्लीज मुझे बोलो, बोलो जल्दी से मुझे, फटाफट फटाफट बोलो। ठीक है, हाय ईश्वरी, आप वीडियो बाद में भी देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी ध्यान देना, फिक्स कैपिटल मेथड में कौन से अकाउंट बनाते हैं बोलो, अपन दो अकाउंट बनाते हैं, राइट। सबसे पहले अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, वो रहेगा दोस्तों आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या रहेगा बोलो जल्दी से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। सही है, और दूसरा रहेगा दोस्तों यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा कौन सा रहेगा बोलो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा कौन सा रहेगा बोलो, पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे बना देंगे। सही है, चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी देखो कैपिटल अकाउंट का कौन सा आइटम आएगा बोले यहाँ पे जल्दी से, पर्टिकुलर्स, फिर क्या बोले जल्दी से, पार्टनर के नाम आएंगे, राइट, सन और मून। और यहाँ पे भी क्या आएगा बोलो, पर्टिकुलर्स सन एंड मून, पर्टिकुलर सन एंड मून। सही है, मैंने किसका लिखा बोले जल्दी से, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का लिखा, राइट। वैसे ही मुझे किसका बनाना पड़ेगा बोलो, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा पर्टिकुलर्स सन एंड मून, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा पर्टिकुलर्स सन एंड मून, पर्टिकुलर सन एंड मून। सही है, चलो अभी जब भी दोस्तों मैं यहाँ पे, प्लीज ध्यान देना, जब भी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोलो, फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या जाएगा रे, तो पार्टनर आपको पता है ना, पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाता है बोलो, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, चार ही चीजें डालती है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अभी देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया बोलो, 10 लाख और 5 लाख ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दिया। सही है, अभी आप लोग मुझे बोलो कि ये जो भी चीज है दोस्तों, ये मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालू या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालू, मुझे जल्दी जल्दी बोलो। चलो ये जो भी चीज है दोस्तों, इसको मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखू या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखू बोलो, इसको मैं लिखूंगा दोस्तों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सही है, तो मैं जाऊंगा दोस्तों कैपिटल अकाउंट में, और वहां पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखूंगा बोलो यहाँ पे, 10 लाख और 5 लाख। समझा ना, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। आगे दूसरा देखो क्या बोल रहा है वो, प्लीज अच्छे से ध्यान दें। दूसरा देखो एडिशनल कैपिटल। सही है, तो एडिशनल की कैपिटल की वजह से क्या होगा बोलो, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा बोलो। जब भी कोई भी पार्टनर उसके बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा या कैपिटल का एडिशनल अमाउंट लेके आएगा, तो वो केस में दोस्तों हमारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। सही है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या करूंगा बोलो, बाय बैंक अकाउंट लिखूंगा। कितना लिखूंगा बोलो, 2,25,000 एंड 1,50,000। समझा के नहीं समझा रहे, इतना समझ रहे क्या बोलो जल्दी से। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, दो चीजें अपन ने कर दिया। ठीक है, अभी अगला कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। सही है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। सही है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट किया था देखो जरा यहाँ पे, यस हमने देखो जरा यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया था, सन का था दोस्तों 55,625 और मून का था दोस्तों 28,750। सही है,
अभी आप मुझे एक बात बोलो, जब भी यहाँ पे दोस्तों अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम अपन कौन से मेथड से कर रहे हैं बोलो, फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहे हैं बोलो, फिक्स कैपिटल मेथड, सही है। और जब भी दोस्तों मैं फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करता राइट, तो वो टाइम पे दोस्तों मेरा जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना, उसको मुझे कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा बोले, जिसे कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, सही है। इसलिए जो भी ऐसे चीजें जिसकी वजह से मेरे पार्टनर का कैपिटल चेंज हो सकता है, वो हर एक चीजें मैं पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, बाय क्या करूंगा बोले, यहाँ पे जल्दी से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करूंगा बोलो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करूंगा, ठीक है। चलो अभी देखो जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन का कितना था बोलो मेरा, जल्दी से 55,625 था, सही है। और मून का कितना था बोले दोस्तों, मून का था मेरे यहाँ पे 28,750, समझा कि नहीं समझा, इतना समझ रहे। देखो गाइस, कुछ लोगों को अभी मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर एक स्टूडेंट को इक्वली पढ़ाने का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है। तो मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो मैं आपको धीरे धीरे और डीप में ही पढ़ाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा पाऊंगा, समझ रहे हो ना। चलो यहां तक हुआ, आगे देखो क्या बोल रहे हो फटक करके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग राइट। तो ड्रॉइंग बोलो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलो, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था दोस्तों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि जो भी ड्रॉइंग्स होते हैं वो ड्रॉइंग्स दो टाइप के होते हैं, सही है। पहला कौन सा होता है बोलो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, पहला कौन सा होता है बोलो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल राइट। और दूसरा होता है दोस्तों ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सही है। अभी मैंने आपको क्या बोला था रे, कि हमारे क्वेश्चन में अगर उन्होंने हमको सिर्फ ड्रॉइंग्स बोला होगा, इसका मतलब दोस्तों ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा राइट। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ये आपका पार्टनर करंट अकाउंट में जाता है, कहां पे जाता है बोलो, पार्टनर के करंट अकाउंट में जाते हैं, सही है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, पार्टनर के करंट अकाउंट में जाऊंगा और वहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्या करूंगा बोलो, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखूंगा, सही है। तो जल्दी से जाओ पार्टनर के करंट अकाउंट में, वहां पे लिखो ड्रॉइंग्स कितना है बोलो, 22,515, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों 22,515, यानी कितना बोलो, 15,000 लिख दूंगा, ठीक है। चलो आगे क्या दिया देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स राइट। तो इसकी वजह से भी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा बोलो, कम हो जाएगा, सही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कहाँ पे जाएगा बोलो, पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, समझा। तो कितना आएगा बोलो, 1,350 और 900, कितना आएगा बोलो, 1,350 और 900, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू क्या लिखूंगा बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आएगा बोलो, 1,350, और कितना आएगा यहाँ पे, 900, 1,350 और कितना आएगा बोलो, 900 आएगा, समझा कि नहीं समझा, इतना क्लियर है क्या बोलो जल्दी से गाइस, इतना क्लियर है क्या बोलो जल्दी से, प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, यस और नो। चलो आगे जा रहा हूं, ध्यान देना, आगे सैलरी दिया है, कमीशन दिया है, सही है। तो दोनों कहाँ पे लिखूंगा बोलो, पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट में। आपको एक ही बात बोलता है, ठीक है, आपको बस इतना देखना है, जो भी चीज है उसके वजह से पार्टनर का फायदा है या नुकसान है, फायदा मतलब क्रेडिट साइड, नुकसान मतलब डेबिट साइड राइट है। और जब भी आप फिक्स कैपिटल मेथड से करते हो, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी रहता है, वो आपके कहाँ पे जाता है बोलो, पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा, सही है। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय सैलरीज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बोलो, बाय सैलरीज लिखता हूँ, सही है। चलो अभी देखो सैलरी कितना था रे बोलो जल्दी से, मुझे सन का था दोस्तों यहाँ पे 15,000, क्वेश्चन में दिया है राइट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों बाय कमीशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कमीशन, क्योंकि दोनों के वजह से पार्टनर का फायदा होगा। तो कमीशन कितना है बोलो, 7,500 और 5,250, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों 7,500, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों 5,250, कितना लिखूंगा बोलो, 5,200, 5,200 है क्या, 5,250 है बोला, देखो जरा फटक करके, 5,285 ही है ना गाइस, यस और नो, 5,285 तो है ना, बराबर है, 5,250 लिखना है आपको, ठीक है। इतना लिखा क्या बोले जल्दी से, यस और इतना लिखा आपने, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आगे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। शेयर इन लॉस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शेयर इन लॉस राइट। इसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस क्या होगा बोलो, या पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा बोलो, कम हो जाएगा, सही है। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा बोलो, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, और वहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या करूंगा बोलो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। यहाँ पे कितना जाएगा बोलो, 45,000, और यहाँ पे जाएगा दोस्तों मेरा 30,000, सही है। और यहाँ पे दोनों का क्या करूंगा बोलो, फिर बैलेंस ही फिगर में लिख दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका बैलेंस फिगर निकालो फटक करके, जल्दी से इसका बैलेंस फिगर निकालो फटक करके, 28,750 + 5,250, तो कितना आ रहा है यहाँ पे मेरा, 34,000, यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा,
34 आ रहा है राइट, लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल लेना है, ठीक है। जो साइड बड़ा रहेगा उसका टोटल लो पहले। तो मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 45,900 राइट। तो यहाँ पे भी लिखूंगा 45,900, इसमें से क्या करूंगा बोले दो फिगर को माइनस करूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी देखो जरा कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 11,900। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, समझा। चलो बहुत अच्छा है। वैसे ही क्या करो बोलो जल्दी दोस्तों, इसका भी ले लो ना, इसका भी टोटल ले लो, ठीक है। देखो कौन सा साइड बड़ा आ रहा है, इसका भी टोटल ले लो जरा, इसका सन का भी ले लो जरा टोटल फटक करके, कितना आ रहा है बोलो जल्दी से मुझे। और कौन सा साइड बड़ा आ रहा है वो भी मुझे बोलो, ठीक है। कौन सा साइड बड़ा आ रहा है वो भी मुझे बोलो, फटाफट बोलो, ठीक है जरा। कौन सा साइड बड़ा आ रहा है मुझे बोलो प्लीज जल्दी से फटक करके। मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है, कौन साइड बड़ा आ रहा है बोलो मेरा, क्रेडिट साइड, राइट साइड बड़ा है राइट सन का। तो राइट, ये क्या करना है फिर, यही टोटल को आपको यहाँ पे भी लिखना है डेबिट साइड में, और इसमें से आपको क्या करना है बोलो, जो भी आपके बैलेंसेस है उसको माइनस करना है, सही है क्या, जो भी आपके बैलेंस है उसको माइनस करना है, ठीक है। चलो तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 9275, कितना आ रहा है बोलो 9275। यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू बैलेंस कैरी डाउन, इतना समझा क्या रे, इतना समझा क्या बोले जल्दी से गाइस, यस और नो, है ना। और ये करने के बाद क्या करना है बोले जल्दी से आपको दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको भी, कैपिटल अकाउंट को भी आपको क्या करना है बोलो, क्लोज करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों 12,25,000, है ना। और यहाँ पे कितना लिखूंगा बोलिए जल्दी से, यहाँ पे कितना लिखूंगा बोलिए जल्दी से दोस्तों, यहाँ पे 6,50,000, सही है। तो ये टोटल मेरा यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा 12,25,000, है ना। यहाँ पे लिखूंगा 6,50,000, सही है। और ये दोनों चीजें क्या आएंगी बोलो, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आएगा बोलो 12,25,000, और कितना आएगा 6,50,000, समझा कह रहे, समझा कि आपका बैलेंस ही फिगर आ जाएगा। अरे समझा के नहीं समझा बोलो जल्दी से, यस और नो, इजी था के टफ था गाइस, इजी था के टफ था बोलो जल्दी से, इजी था के टफ था बोलो जल्दी से, फटाफट फटाफट, चलो इजी था ना एकदम, यस और नो, क्या मैं आगे जा सकता हूँ। चलो अभी अपन ने ये होमवर्क देखा था, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों अभी आज का जो भी लेक्चर रहेगा ना, आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे जरा, अभी देखो हमारा तो है ना, देखो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, क्या नाम है बोलो, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, सही है। तो उसमें से हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो भी टॉपिक था ना, उसका हमने जो भी आपका पार्ट था उसका पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों, आपका ये चैप्टर का जो भी सेकेंड पार्ट है, जो आपको एग्जाम में कंपल्सरीली 12 मार्क के लिए पूछने वाले, ठीक है, तो वो अपन अभी स्टार्ट करेंगे राइट। उसका नाम है दोस्तों पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, क्या नाम बोले जल्दी से, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट उसका नाम है, सही है। अभी ना दोस्तों आप मुझे एक बात बोलो, जब भी आपने 11th स्टैंडर्ड में, जब भी आपने किधर बोलो 11th स्टैंडर्ड में, आपने वहां पे जो भी आपका प्रोपराइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाया था, कौन सा फाइनल अकाउंट बनाया था बोलो, प्रोपराइटरशिप का, जब भी आपने दोस्तों वहां पे फाइनल अकाउंट बनाया था राइट। तो फाइनल अकाउंट में आप कौन सी चीजें बनाने के बोल सकते हो क्या, जो भी आपने 11th में प्रोपराइटर का फाइनल अकाउंट बनाया था, वो फाइनल अकाउंट में हम कौन सी चीजें बनाने के, तो वहां पे आप दोस्तों सबसे पहले बनाने के ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले क्या बनाने के बोलो आप, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के। दूसरा आप क्या बनाने के बोलो, यस आप दूसरा बनाने के दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा आप क्या करने के बोलो, तीसरा आप बनाने के दोस्तों बैलेंस शीट, तीसरा आप क्या करने के बोलो, आप बैलेंस शीट बनाने के, सही है। और ये जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये जो भी चीजें दोस्तों आप प्रिपेयर करने के राइट, वो आप कौन से चीज के ऊपर से प्रिपेयर करने के बोलो, मतलब आपके पास कुछ तो रहेगा ना बेस, जिसके ऊपर से आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करने के। तो ये सभी चीजें दोस्तों आप बनाने के ट्रायल बैलेंस के ऊपर से, किसके ऊपर से बनाने के बोले दोस्तों, ट्रायल बैलेंस के ऊपर से बनाने के, ठीक है। तो ये जो भी आपका चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर में हमको यही सिर्फ यही तीनों चीजें बनाने, कौन सा चीज बनाने बोले जिससे हमको, सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हमको दोस्तों यहाँ पे बनाना है बैलेंस शीट, समझा। ये तीन चीजें हमको ये चैप्टर में सॉल्व करनी है, ठीक है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, मुझे तो अकाउंट तो आता नहीं है, सही है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, जो भी क्या होता है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है आप मुझे बोल सकते हो क्या,
व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बोल सकते हो क्या? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब होता क्या है? बोलो, क्या डालते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट में? बोलो जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग अकाउंट, क्या डालते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट में? बोलो प्लीज, मुझे बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या डालते हैं, बोल सकते हो क्या? यस, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ऐसा एक अकाउंट होता है जिसमें हम हमारे बिजनेस के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और जो भी डायरेक्ट इनकम है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे बिजनेस के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो हम डालेंगे और जो भी हमारे डायरेक्ट इनकम है वो हम डालेंगे। सही है। अभी आप बोलेंगे सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब क्या? तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब दोस्तों ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे ट्रेडिंग के रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो मेरे ट्रेडिंग के या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है। सही है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा ये माउस, जो भी ना माउस, ये माउस मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी है। ठीक है, क्या किसका कंपनी? बोलो, ये माउस मैन्युफैक्चरिंग करने का मेरा बिजनेस। सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, ये जो भी माउस मुझे यहाँ पे बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, राइट, ये माउस मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या मुझे इसके ऊपर जो भी प्लास्टिक है क्या वो लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, 100% लगेगा। ये माउस के अंदर जो भी उन्होंने चिप वगैरह डाला होगा वो मेरे को लगेगा कि नहीं? बोलो, 100% लगेगा। ये माउस के अंदर जो भी सेल है वो मुझे लगेगा कि नहीं? बोलो, 100% लगेगा। मतलब क्या मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ क्या दोस्तों कि ये माउस को जो भी चीजें मुझे लग रही है बनाने के लिए वो मेरे सबके सब क्या है? बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड विद क्या है? बोलो जल्दी से, मेरे मेरा प्रोडक्ट है। डायरेक्टली रिलेटेड विद क्या है? बोलो जल्दी से, मेरा प्रोडक्ट है। समझा? या आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान देना। देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल है ना, मेरा है ना वड़ा पाव का शॉप है। किसका शॉप है? बोलो, वड़ा पाव का शॉप है। सही है। और जब भी दोस्तों मुझे वड़ा पाव बनाना होगा तो वड़ा पाव के लिए क्या क्या लगेगा? बोलो, जैसे पोटेटो लगेगा, बेसन लगेगा, नमक लगेगा, जो भी लगेगा, राइट। तो ये सब चीजें क्या? बोलो, जब तक ये सब चीजें मैं यूज नहीं करता हूँ, जब तक ये सब चीजें मैं मेरे बिजनेस में नहीं लाता हूँ, क्या तब तक मेरा फाइनल गुड्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बोलो, तब तक मेरा फाइनल गुड्स बन सकता क्या दोस्तों? नहीं बन सकता। सही है। तो इसलिए हमेशा रखता दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में वो सब एक्सपेंडिचर जाते हैं जो हमारे डायरेक्टली बिजनेस के रिलेटेड है। समझा? जिसके सिवा हमारा बिजनेस हो ही नहीं सकता, ध्यान में आ रहा है क्या? उसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सही है। और हमेशा रखना दोस्तों, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट ही आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? बोलो, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो भी आपकी इनकम है और जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारी इनकम है या जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सही है। अभी दोस्तों देखो, जब भी मुझे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना है ना, तो उसके लिए मुझे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी बैलेंस शीट मुझे चाहिए, राइट। तो इसके अंदर एग्जैक्टली कौन से आइटम जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम जाते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, ये हमको एक बार देखना बहुत जरूरी। मुझे पता है आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसी है दोस्तों कि जो नहीं है, समझ रहे हो क्या? तो इसलिए आपको है ना दोस्तों ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। तो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान देना, पूरा आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों मेरे पास चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? क्या मुझे बोल सकते हो? बोलो, यस, जो भी अपना पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, मतलब जो भी आपका करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है वो आपका आता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहला क्या आता है? बोलो, आपका ओपनिंग स्टॉक आता है। सही है। उसके बाद दोस्तों हमको क्या लिखना है? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में जल्दी से परचेसेस लिखने। परचेस मतलब क्या रे? तो परचेस मतलब हमारे बिजनेस में जो भी हमको फाइनल गुड्स बनाने हैं उसके रिगार्डिंग, अगर मान लो कुछ हमको रॉ मटेरियल लगता होगा, या मान लो कि हमको हमारा कोई ट्रेडिंग का बिजनेस, मतलब क्या, मान लो मेरा ग्रोसरी शॉप है। सही है। और मैंने क्या किया, मान लो मैंने दूसरे के दुकानदार के पास से मैंने मान लो कि 50 किलोग्राम चाय लेके आया, राइट, और वो चाय मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो, लोगों को बेच रहा हूँ, तो ये भी मेरा हो सकता है, राइट। तो परचेस मतलब क्या, जो भी चीज के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए मुझे जो भी चीजें लगेंगी वो मेरा क्या हो जाएगा? बोलो, परचेसेस हो जाएगा। सही है। और सभी परचेसिंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डालूंगा, राइट। ओके। अभी जब भी दोस्तों मैं परचेस में से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या किया, अमेजोन के ऊपर से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, और वो अमेजोन के ऊपर से जो भी ऑर्डर किया ना,
वो मैंने जैसे मांग सोचा था वैसा नहीं आया, वो अलग टाइप का गुड्स है, राइट। या मान लो कि मेरा जो भी कपड़े का साइज है वो साइज का वो गुड्स नहीं आया, ठीक है। तो जब भी दोस्तों हमने जो भी टाइप का गुड्स ऑर्डर किया है, अगर सेम टू सेम अगर गुड्स नहीं आते तो अपन क्या करते बोलो, जो भी हमने परचेस किया है उसको हम रिटर्न कर देते। क्या करते बोलो, रिटर्न करते। तो जब भी दोस्तों परचेस को एक गुड्स को अपन अगर रिटर्न करेंगे तो उसके वजह से अपने परचेसेस क्या होते बोलो, कम होते, सही है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, परचेस रिटर्न को क्या करूंगा बोले, यहाँ पे माइनस करूंगा। क्या करूंगा बोले दोस्तों, परचेस रिटर्न को क्या करूंगा यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, समझा क्या। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ये बहुत जरूरी है, सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है, कैरेज इनवर्ड, सही है, ओके। अभी आप लोगों में से मुझे कोई बोल सकता है क्या दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेज इनवर्ड, आप लोगों में से मुझे कोई बोल सकता है क्या बोलो, कैरेज इनवर्ड मतलब क्या बोल सकता है क्या बोलो, प्लीज मुझे बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेज इनवर्ड। यस, कैरेज इनवर्ड मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, जब भी मेरे बिजनेस के लिए मैं कोई भी गुड्स परचेस करूंगा ना, तो वो गुड्स के लिए दोस्तों मुझे कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, राइट। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है बोलो, खर्चा, राइट। जैसे कि हमाली वगैरह लगती है ना, या मान लो कि गुजरात से अगर मेरे यहाँ पे कुछ गुड्स आ रहा तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च देना पड़ेगा, राइट। तो कैरेज इनवर्ड मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारे परचेसेस के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है बोलो, परचेसेस के ऊपर। अगर हमने कोई भी कैरेज पे किया ना तो उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, मतलब क्या, परचेस आने की वजह से हमको उसका खर्चा देना पड़ रहा है, राइट। तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। आगे क्या बोल रहा है देखो, फ्रेट बोल रहा है। फ्रेट मतलब क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फ्रेट मतलब है ना टेम्पो भाड़ा वगैरह, है ना। फ्रेट मतलब क्या बोलो, जो भी आपने को टेम्पो भाड़ा वगैरह लगता ना, जैसे आपका भी शॉप रहेगा तो आपके शॉप में भी बहुत सारी गुड्स आते रहेंगे, राइट। तो उसको अपन क्या करते बोलो, रेंट वगैरह देते, राइट। तो उसको अपन क्या बोलते बोलो, फ्रेट बोलते। ये जो भी चीजें दोस्तों अपनी सभी के सभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगी, लेकिन अपने को सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि बाबा कौन से आइटम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे और उसके क्या रीजन है, एग्जैक्टली वो आइटम का मतलब क्या होता है, सही है। क्योंकि अगर आपको इसका मतलब समझ गए तो आपको कभी आप नहीं भूलेंगे कि आइटम आपका ट्रेडिंग में जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस में आराम आराम से हो जाएगा, सही है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है वो, डॉक चार्जेस दिए, क्या दिया बोली लीजिए उन्होंने दोस्तों यहाँ पे, डॉक चार्जेस दिए, सही है। अभी ध्यान देना, डॉक चार्जेस मतलब क्या बोल सकते हैं, कह रहे तो ध्यान दो। देखो दोस्तों, जब भी ना अपन फॉरेन से, कहां से बोलो, आउट ऑफ कंट्री से, जब भी अपन कोई भी गुड्स हमारे इंडिया में मंगाते ना, तो हमारे इंडिया में जो भी आपका वो सी ब्रिज वगैरह रहता ना, जहां से वो गुड्स आते, राइट। तो वो गुड्स का जो भी अपना गुड्स आएंगे वो शिप में आएंगे, सही है। तो वो शिप पे ऊपर है ना, जब तक हमारा वो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह या कस्टम वगैरह जब तक अपन पे नहीं करते दोस्तों, तब तक वो जहां पे वो पोर्ट जो भी है, तो वो पोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ हमको खर्चा आता है, सही है। तो वो खर्चे को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉक चार्जेस बोलते हैं। खर्चे को अपन क्या बोलते हैं बोलो, डॉक चार्जेस बोलते हैं, सही है। और डॉक चार्जेस जो भी दोस्तों आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर बोलिए जैसे आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सही है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो जल्दी से, वो कस्टम ड्यूटी, क्या बोल रहा है वो, कस्टम ड्यूटी मतलब क्या, इंपोर्ट किया उसके ऊपर हमको जो भी टैक्स भरना पड़ा वो हमारा कस्टम ड्यूटी रहेगा। इतना याद रखना दोस्तों, इतना याद रखना दोस्तों, प्लीज ध्यान देना कि जब भी अपन कोई भी गुड्स परचेस करते ना, तो उसके वजह से हमको टैक्स पे करना पड़ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ। अगर आप मुझे एक बात बोलो ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, मेरे लिए फेरारी इंपोर्ट किया, मेरे लिए क्या किया बोलो, मैंने फेरारी इंपोर्ट किया, राइट। तो जब भी दोस्तों मैं फेरारी इंपोर्ट करूंगा तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने फेरारी इंपोर्ट ही नहीं किया होता तो क्या मुझे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ी होती क्या बोलो, नहीं भरनी पड़ी होती, राइट। तो हमेशा रखना दोस्तों, हमारे बिजनेस में अगर अपन कोई गुड्स अगर फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं और अगर उसके ऊपर अगर हमको कोई टैक्स पे करना होगा, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, राइट। क्योंकि हमारे वो परचेस के रिलेटेड होगा, किसके रिलेटेड होगा बोलो, परचेस के रिलेटेड होगा, सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है वो जल्दी से, वेजेस प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, वेजेस प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, सही है। अभी देखो, सबसे पहले देखो दोस्तों दो चीजें, सबसे पहला होता है प्रोडक्टिव वेजेस और दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। क्या रहता है बोलो, सबसे पहले होता है दोस्तों प्रोडक्टिव वेजेस और दूसरा रहता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, राइट। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब आपने ऐसे लोगों को वेजेस दिया जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। क्या बोला मैंने, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब ऐसे लोगों को आप वेजेस दे रहे हो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रिलेटेड काम कर रहे हैं, सही है। तो हमेशा रखना दोस्तों, जब भी आप प्रोडक्टिव वेजेस देते हो तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कहां पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, समझा। और जब भी दोस्तों आप अनप्रोडक्टिव वेजेस देते हो, कौन सा देते हो बोलो, आप
अनप्रोडक्टिव वेजेस देते हो दोस्तों, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कहां पे जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। तो वहां पे हाईलाइट करके रखना, क्या बोलो? प्रोडक्टिव वेजेस मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है, यहां तक क्लियर है ना गाइस? समझ तो रहा है ना? प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, क्या आपको अच्छे समझ रहे? कोई दिक्कत यहां तक आपको अच्छे समझ रहे? देखो गाइज, मुझे पता है अपन स्लो स्लो जाएंगे, कोई गड़बड़ है क्या अपने को? एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे ना, हर एक चीज आपका हो जाएगा, डोंट वरी, आपका हर एक चीज बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। आगे जाऊं मैं? ओके, अभी देखो आगे क्या बोल रहा है वो, वेजेस एंड सैलरीज, राइट। तो हमेशा रखना, जब भी वेजेस एंड सैलरी होता है दोस्तों, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है। जब भी सैलरी एंड वेजेस होगा, जब भी क्या होगा बोलो? सैलरी एंड वेजेस, तो आपका ही जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वेजेस एंड सैलरी लिखा है, तो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। आगे इंपोर्ट ड्यूटी, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, मोटिव पावर मतलब इतना रखना दोस्तों, हमारे मैन्युफैक्चरिंग, अभी आप मुझे बोलो ना, जैसे कि मान लो कि जो भी आपने इसके मुकेश अंबानी की जो भी पेट्रोलियम कंपनी, राइट, वो पेट्रोलियम कंपनी में दोस्तों अलग अलग मशीनरी चलती रहेंगी कि नहीं बोलो? ऑब्वियसली चलती रहेंगी। तो वो मशीनरी चलाने के लिए उसको बिजली वगैरह लगती रहेंगी, राइट। तो ये सब चीजें दोस्तों कहां पे जाएंगी? आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो भी है ना मशीनरी के लिए लगने वाली बिजली, ये हमारे डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड बोला? हमारे डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिलेटेड, इसलिए कहां पे जाएंगे बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अभी अगला है दोस्तों, रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन, सही है। अभी देखो क्या रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो भी अभी अपना COVID-19 का सिचुएशन था, राइट, तो कोरोना के ऊपर है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक वैक्सीन लाना है आपको। क्या करना है? कोरोना के ऊपर हमको इंडिया में एक वैक्सीन लाना है, राइट। और ये वैक्सीन है ना, फॉर एग्जांपल मान लो यूएसए में किसी ने तो भी बना दिया वैक्सीन, क्या हो बोलो? यूएसए में किसी ने तो भी बना दिया, ठीक है। अभी आप मुझे बोलो, क्या हमारे गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है क्या बोलो कि हम खुद उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और खुद अपन वो बनाते बैठेंगे? नहीं, राइट। हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगे दोस्तों कि यूएसए में जो भी वैक्सीन बना है, अगर वो कोरोना का अगर इलाज कर सकती है, तो अपनी गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्तों? वैक्सीन परचेस करेगी, और अपन क्या उसको क्या बोलेंगे कि बाबा जितने भी वैक्सीन हम आप बेचेंगे इंडिया में, वो हर एक वैक्सीन के ऊपर आपको 1000 रुपीज हम रॉयल्टी करके दे देंगे, राइट। तो रॉयल्टी मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, कि जब भी हमारे बिजनेस में हम कोई बाहर वाले कंट्री का अगर कोई टेक्निक अगर अपन लेते हैं, या बाहर वाले कंट्री का मतलब क्या बोलो, बाहर वाले कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन कैसे करने का, इसका अगर अपन कोई टेक्निक लेते हैं, तो उनको अपने को हमेशा परमानेंटली कुछ ना कुछ हमको उनको पैसा देना पड़ता है, उसको अपन रॉयल्टी बोलते हैं, सही है। तो रॉयल्टी भी मतलब क्या रहता है बोलो? रॉयल्टी मतलब आपका रहेगा दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, सही है। वो किधर जाएगा बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। आगे कौन सा लिखा है बोलो? प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, राइट। अभी प्राइमरी मतलब क्या? देखो दोस्तों, आपने डेरी मिल्क चॉकलेट खाया है अगर कभी? डेरी मिल्क चॉकलेट खाया है क्या? प्लीज मुझे बोलो, क्या आपने डेरी मिल्क चॉकलेट खाया है क्या? बोलो 100% खाया होगा, राइट। तो ये जो भी डेरी मिल्क का चॉकलेट रहता है दोस्तों, उसके ऊपर देखो पहले के जमाने में ना, वो एक गोल्डन कलर का फॉइल आने का, क्या आने का? गोल्डन कलर का फॉइल आने का, राइट। ये अभी की इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक ये अपना कौन सा वॉयलेट कलर का एक उसका कवर आता है, राइट। तो ये जो भी वॉयलेट कलर का कवर है, या जो भी वो पहले गोल्डन कलर का अंदर का वो फॉइल आने का, राइट, तो ये है ना दोस्तों आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकिंग चार्जेस बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो? प्राइमरी पैकिंग चार्जेस बोलते हैं, राइट। क्यों? अभी ध्यान दो, आप मुझे बोलो ना, अगर डेरी मिल्क के ऊपर अगर वो ब्लू कलर का कवर नहीं रहेगा, राइट, वो वॉयलेट कलर का अगर पैकिंग नहीं रहेगा, तो क्या वो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा क्या बोलो? खराब हो जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो हमेशा रखना दोस्तों, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस मतलब ऐसा पैकिंग चार्जेस होता है जो हमारे प्रोडक्ट अच्छा रहने के लिए, या जो हमारा प्रोडक्ट कंफर्टेबल मतलब क्या, खराब नहीं होने के लिए किया जाता है, राइट। तो ये हमारे डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस होता है, इसलिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बोलो कि जब भी दोस्तों आप डेरी मिल्क लाएंगे, राइट, तो जब भी आप वो ना बड़ा पैकेट लाते हो, राइट, है ना, जैसे कि उसके अंदर मान लो 50 क्वांटिटीज है डेरी मिल्क, राइट, तो वो किस में रहता है बोलो? एक बक्सा रहता है ना, कौन से कलर का? ब्राउन कलर का एक बक्सा रहता है, तो उसके अंदर वो 50 कैडबरीज रखी हुई रहती है, राइट। तो ये जो भी बक्सा है ना दोस्तों, ये आपका सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस है। कौन सा है बोला? आपका सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंडिचर, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे डायरेक्टली प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जो भी डेरी मिल्क के ऊपर का जो ब्राउन कलर का बक्सा रहेगा,
वो आपका सेकेंडरी पैकिंग है, और सेकेंडरी पैकिंग मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कहां पे जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहेगा वो कहां पे जाएगा बोलो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, समझे। इसलिए प्राइमरी चार्जेस किधर जाते हैं बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और सेकेंडरी जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आगे देखो क्या बोल रहा है, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, राइट। मतलब क्या कि फैक्ट्री के अंदर अगर आपको पता है क्या कि जैसे भट्टी वगैरह जलती, पता है आपको भट्टी, पता है क्या भट्टी है ना, जैसे बड़े बड़े जो भी अपने ईटे बनाते, ईटे समझ ना, ब्रिक्स वाली कंपनी रहती है, राइट। तो ब्रिक्स वगैरह बनाने के लोग है ना, वहां पे अंदर भट्टी रहती है बहुत बड़ी बड़ी, राइट। तो उनको हीटिंग का कंपल्सरी खर्चा आता है, तो वो अपना क्या बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, कौन सा खर्चा बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सही है। आगे क्या बोल रहा है वो, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, राइट। अभी आप बोलेंगे सर फैक्ट्री रेंट जो भी, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कैसे बोल रहे हो आप, तो ध्यान देना। आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, कि अगर कोई भी कंपनी की अगर फैक्ट्री नहीं रहेंगी तो क्या उनका प्रोडक्शन हो पाएगा क्या बोलो, अगर कोई भी कंपनी की अगर फैक्ट्री नहीं रहेंगी तो क्या उनका प्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएंगे बोलो, नहीं हो पाएगा, सही है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं क्या दोस्तों कि हमको अगर प्रोडक्शन करना होगा तो वहां पे हमारा फैक्ट्री रहना जरूरी, क्या बोलना पड़ेगा मुझे, हमको अगर कोई भी गुड्स का अगर प्रोडक्शन करना होगा तो वहां पे फैक्ट्री का रहना जरूरी है, समझ रहे हो। इसलिए दोस्तों फैक्ट्री का जो भी रेंट है वो हमारे प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए फैक्ट्री रेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। बहुत सारे बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाएंगे, गड़बड़ करने का नहीं है ना, बहुत सारे बच्चों को आदत रहती है। रेंट दिखा मतलब कहां पे डालते बोलो, रेंट दिखा मतलब आप लोग डालते हो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, राइट। लेकिन फैक्ट्री रेंट आपका कहां पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, समझा क्या। चलो आगे, फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस मतलब क्या है दोस्तों, कि जो भी बिजनेस, राइट, वो बिजनेस के अंदर है ना बहुत सारे गुड्स रहते हैं, राइट। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, देखो मेरे भाई का ना एक लैपटॉप का शॉप है, ठीक है, और उसने क्या किया है, वो लैपटॉप के शॉप के अंदर जितने भी लैपटॉप है, जितने भी उसके पास चीजें है ना, वो सबका उसने इंश्योरेंस करके लिया, राइट। तो उसके वजह से क्या होगा कि कल जाके अगर मान लो कि दुकान में आग लग गई, चोरी हुई हो गई, ठीक है, तो वो पैसा अपने को क्या मिल जाएगा बोलो, अपने को इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिल जाएगा, राइट। अभी ये जो भी खर्चा हमने इंश्योरेंस का किया, राइट, तो क्या ये मेरे डायरेक्टली प्रोडक्ट रिलेटेड है क्या नहीं है बोलो, क्या ये जो भी खर्चे डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड है क्या नहीं है बोलो, प्रोडक्ट के रिलेटेड, राइट। तो इसलिए दोस्तों ये जो भी फैक्ट्री आपका इंश्योरेंस है नहीं, आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कहां पे जाएगा बोलो, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, सही है। और आगे दोस्तों आपका वर्क्स मैनेजर सैलरी, कौन सा बोला आपका जल्दी से, वर्क्स मैनेजर सैलरी, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब क्या दोस्तों, तो ऐसा पर्सन जो हमारा जो भी बिजनेस है ना, जो भी हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी है ना, उसमें इन्वॉल्व है, समझा। वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब क्या, हमारे जो भी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन का काम चल रहा है, वो लोगों के ऊपर ध्यान देगा, समझ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों ये जो भी है ना, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा होगा बोलिए, जैसे आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा होगा बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा। क्या आपको इतना समझा कह रहे, क्या आपको इतना क्लियर है क्या बोलो, यस और नो, प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो फटाफट फटाफट बोलो, चलो समझा कि नहीं समझा बोलो, बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे देखो, अभी क्रेडिट साइड में क्या लिखा है देखो जल्दी से, यहाँ पे आपको सेल्स लिखा है, माइनस सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड किया, राइट। मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैंने किसी को तो भी एक आधे गुड्स बेच दिया और वो बोला कि नहीं नहीं ये गुड्स मुझे नहीं चाहिए है ना, हमारे पास ऑलरेडी था, मैं गलती से लेके गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, वो सेल्स हमारा कम हो जाएगा, राइट। तो सेल्स की वजह से हमारा इनकम होता है, इनकम मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब भी मैं कोई भी गुड्स अगर बेचता हूं और बेचा हुआ गुड्स अगर मुझे वापस आ रहा है तो मेरा हो जाता है दोस्तों रिटर्न इनवर्ड, क्या होता है बोलो, मेरा रिटर्न इनवर्ड हो जाता है, सही है। ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, तो रिटर्न इनवर्ड हमेशा मेरे सेल्स में से माइनस होगा, समझा कि नहीं समझा, समझ हमेशा रखना। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेस रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, सेल्स रिटर्न, सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ये सब चीजें यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, एकदम अच्छे से बोलना, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी कोई भी गुड्स, ये मान लो कि हमारे फायर की वजह से लॉस हो गए, राइट, या मान लो कि जब भी कोई भी गुड्स से थेफ्ट की वजह से लॉस हो गए, या हमने उसको सैंपल करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या मान लो कि एक्सीडेंट हो गया उसमें लॉस हो गए, या मान लो कि कोई भी गुड्स पार्टनर ने विड्रॉ किया, राइट, आप मुझे बोलो जितने भी एग्जांपल है दोस्तों, ये हर एक एग्जांपल में आप मुझे ऐसे बोल सकते हो कि ये कोई भी एग्जांपल में दोस्तों हमको पैसा मिल रहा है क्या बोलो इन रिटर्न, हमारे बिजनेस में से गुड्स तो जा रहे, लेकिन वो गुड्स जाने के बाद हमको कोई ना कोई पैसा मिल रहा है क्या बोलो जल्दी से,
जब भी हमारे बिजनेस में से गुड्स तो जा रहे हैं लेकिन इसका हमको पैसा मिल रहा है क्या बोलो, पैसा रिसीव हो रहा है क्या बोलो, नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझा? तो हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों कि जब भी ना हमारे बिजनेस में से गुड्स जाते हैं ना, तो वो गुड्स की वजह से क्या होता है, हमारे परचेसेस कम होते। क्या कम होते बोला? हमारे परचेसेस कम होते कि नहीं होते बोलो ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो दिवाली का सीजन था, दिवाली के सीजन के पहले दिन मैंने क्या किया, मेरा ग्रोसरी शॉप था मान लो, ठीक है, मैंने क्या किया बहुत सारा वहां पे किराना भर के रखा मेरे शॉप में, ठीक है, जिसके कारण मैं बेच पाऊंगा राइट। और दिवाली के दिन ही क्या हो गया, मेरे दुकान में आग लग गई, सही है। अबे आप मुझे बोलो ना, जब भी दोस्तों मेरे दुकान में आग लग गई तो मेरे दुकान में जितने भी गुड्स है वो जल के खराब हो जाएंगे कि नहीं बोलो, जल के उसका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं बोलो, हो जाएंगे राइट। लेकिन ये गुड्स जलने के लिए मैंने पहले तो ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी पहले परचेस किया रहेगा ना, और जब भी मैंने गुड्स परचेस किए उसको आग लगेगी, मतलब ये जब भी आग लगेंगी दोस्तों तो क्या ये गुड्स का, आग लगने वाले गुड्स का पैसा मुझे मिलेगा क्या बोलो, नहीं मिलेगा, सही है। तो इतना हमेशा रखना दोस्तों, जब भी कोई भी गुड्स लॉस बाय फायर होते हैं या कोई चोरी होती है, सैंपल करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते करते ना बहुत बार, अपन किसी को तो भी सैंपल दे देते, उसको बोलते अच्छा लगा तो अगले टाइम लेके जाना है ना, या एक्सीडेंट में जाता है, या मान लो कोई पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहे हैं, तो हर एक सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, अपने परचेसेस कम होते बेटा, क्या होते हैं अपने परचेजेस। तो हमेशा रखना, जब भी ऐसा कुछ होगा ना दोस्तों तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। क्या करेंगे वो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके वजह से हमारे परचेजेस कम होने वाले हैं। क्या होगा बोलो, उसके वजह से हमारे परचेसेस कम होने वाले, राइट। तो परचेसेस कम करना मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, समझा? आप मुझे बोलो ना, जब भी अपन कोई भी गुड्स का परचेस करते तो कहां पे लिखते हैं बोलो, परचेस जब भी होता है तो अपन कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते है ना, कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते। अभी वो परचेसेस मुझे कम करना है मतलब कहां पे लिखूंगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। आई होप आपको समझा होगा, सही है। और आगे क्या बोल रहा है देखो, वो क्लोजिंग स्टॉक, राइट, क्लोजिंग स्टॉक भी अपन कहां पे लिखते बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, सही है। चलो इतना समझा करे गाइस, क्या आपको इतना याद रहेगा बोलो, कौन से आइटम में ट्रेडिंग अकाउंट को जाएंगे, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा क्या? देखो आज मैं आपको डायरेक्टली सम नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरे सम वगैरह नोट्स वगैरह सब रेडी है, आपको मैंने तो दे भी दिए हो राइट। लेकिन मेरा बोलना क्या है ना कि आपको पहले जो भी चीजें अपन कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, ये आपको पूरा अच्छे से पहले पता चाहिए, और क्यों जाएगा ये भी पता चाहिए, फिर ही अपन उस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी इसके आगे दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बोले जिसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अरे फैक्ट्री इंश्योरेंस मतलब कुछ नहीं रहता है बेटा, फैक्ट्री इंश्योरेंस मतलब हमारे फैक्ट्री में जो भी गुड्स है उसके लिए क्या हुआ इंश्योरेंस रहता है, जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएगा, ठीक है। चलो अभी आगे आ जाओ जल्दी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, सही है। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्या दिया, देखो यहाँ पे सैलरीज दिया है, सही, क्या दिया बोले जल्दी से, यहाँ पे आपको सैलरीज दिया राइट। अभी ये जो भी सैलरीज है ना दोस्तों, ये ना ये वो लोगों को सैलरी दिया रहता है जो हमारे ऑफिस में काम करते राइट। अभी देखो मतलब क्या, देखो दोस्तों अपना जो भी रतन टाटा का फैक्ट्री है ना, रतन टाटा का जो भी बिजनेस राइट, तो क्या रतन टाटा का जो भी बिजनेस राइट, वो रतन टाटा के बिजनेस में क्या हर एक लोग सिर्फ फैक्ट्री में जाके काम करते क्या बोलो, या कोई ना कोई बैक ऑफिस रहेगा, वो बैक ऑफिस में कोई ना कोई अकाउंटिंग करते रहेगा, कोई ना कोई सेल्स का रिकॉर्डिंग कर रहा रहेगा राइट, कोई ना कोई मार्केटिंग का काम करते रहेगा, समझ रहे हो क्या? तो हमेशा रखना दोस्तों दो चीजें रहती है, पहला होता है वेजेस, दूसरा होता है सैलरी। वेजेस मतलब ऐसे लोगों को पेमेंट करना जो हमारे गुड्स के ऊपर काम कर रहे, समझ रहे हो, तो उसको अपन वेजेस बोलते। और दूसरा सैलरी मतलब दोस्तों ऐसे लोगों को पेमेंट करना जो हमारे फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे, जो हमारे किधर काम कर रहे बोलो, ऑफिस में काम कर रहे राइट। तो सैलरी जो भी दोस्तों, ये आपका क्या है बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये आपका कहां पे जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, समझा। आगे दोस्तों आपका सैलरी एंड वेजेस, ये भी कहां पे जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, सही है। अभी अगला दोस्तों आपका रेंट एंड रेट्स, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में रेंट देखा था, वो कौन सा देखा था बोलो, हमने देखा था वो फैक्ट्री रेंट, कौन सा देखा था बोलो, हमने फैक्ट्री रेंट देखा था, सही है। और अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो फैक्ट्री रेंट जो भी है ना, वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डाला था, कहां पे डाला था बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डाला था, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो दोस्तों फैक्ट्री रेंट हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इसलिए डाला था क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिलेटेड है, अगर फैक्ट्री नहीं होंगी तो हम प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर था, इसलिए हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डालने के राइट।
लेकिन यहाँ पे जो भी उन्होंने हमको रेंट एंड रेट्स दिया ना दोस्तों, ये रेंट एंड रेट्स मतलब हमारे ऑफिस का रेंट है। किसका रेंट है बोला? हमारे ऑफिस का, हमारे डायरेक्टली गुड्स के रिलेटेड नहीं है, ये हमारे ऑफिस का रेंट है, राइट। तो ऑफिस का रेंट कहाँ पे जाएगा बोलो दोस्तों? हमारे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहाँ पे जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, राइट। आगे क्या लिखा है बोलो? इंश्योरेंस दिया है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एसेट्स, लोडिंग चार्जेस, ये सब कहां पे जाएंगे बोलो? अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, राइट। अच्छा आप मुझे एक बात बोल सकते हो क्या? जो भी लोडिंग चार्जेस होते वो क्या होता है रे? बोल सकते हो? बहुत सारे बच्चों को आप कंफ्यूजन होने के चांसेस, राइट। क्या आप मुझे बोल सकते हो दोस्तों प्लीज कि व्हाट डू यू मीन बाय लोडिंग चार्जेस? क्या होता है लोडिंग चार्जेस, बोल सकते हो क्या? बोलो। यस, लोडिंग चार्जेस मतलब दोस्तों जब भी हम कोई भी गुड्स बेचते हैं ना, तो बेचते टाइम हमको क्या करना पड़ता? जो हमाल रहता ना, हमाल, उसको हमको क्या करना पड़ता? हमाली देनी पड़ती। क्यों? हमारे गोडाउन से वो ट्रक में या वो जो भी जिसमें भी वो सामने वाला गुड्स लेके जा रहा है उसमें हमको वो क्या करना पड़ता बोलो? सामान रखना पड़ता है, राइट। तो हमारे फैक्ट्री से वो ट्रक में सामान रखने के लिए हमको जो भी खर्चा करना पड़ता है उसको हम लोडिंग चार्जेस बोलते हैं, राइट। ये हमारे भले ही गुड्स के रिलेटेड रहें दो, लेकिन ये हमारे सेल के रिलेटेड है, समझा। हमेशा रखना, जब भी अपन कोई भी गुड्स को परचेस करते टाइम जो भी खर्चा आता ना वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता। क्या बोला मैंने? गुड्स को परचेस करते टाइम जो भी खर्चा आता वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता, और गुड्स को सेल करते टाइम जो भी खर्चा आता ना वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है, समझा क्या? तो ये कहां पे जाएगा बोलो जल्दी से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। आगे क्या बोल रहा है वो? ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट फीस, रिपेयर्स, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस, नहीं क्या फैक्ट्री की मशीनरी के वगैरह रिपेयर वगैरह रहेंगी, है ना, ये सब कहां पे जाएंगे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, सही है। आगे क्या बोल रहा है देखो जल्दी से वो? इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि हमने अगर कोई लोन लिया होगा बिजनेस के लिए, उसके ऊपर अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया तो वो हमारा कहां पे जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। आगे क्या बोल रहे हो? छोटे छोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, चाय पानी का वगैरह खर्चा, ये कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। आगे क्या बोल रहा है वो? कन्वेयंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट। अभी ये जो भी चीजें दोस्तों, ये जो भी चीजें ने, चार चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार चीजें ना मैं आपको एकदम आराम से सिखाऊंगा, ये चार चीजें जो भी है ना ये आपको, क्योंकि यहाँ पे ना हमको बहुत सारी एडजस्टमेंट रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि अपना एक शॉप है, अपने शॉप में मान लो कि फायर लग गया है ना, और अपने शॉप में से मान लो 10,000 रुपए के गुड्स जल गए, राइट। और बाद में आपको उन्होंने एडजस्टमेंट दिया कि 10,000 रुपए के गुड्स जो भी आपके जल गए उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 7,000 रुपए का इंश्योरेंस दे दिया, राइट। तो ये केस में आपका सिर्फ 3,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ये कैसे करना है आपको मैं बोल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हर एक चीजें आपको मैं लिख के दूंगा, लेकिन आज का टारगेट अपना फॉर्मेट समझना है, सही है। चलो अभी आगे आ जाओ। आगे क्या बोल रहा है वो? कमीशन अलाउड, मतलब क्या रे? हमारे जो भी पार्टनर्स रहेंगे अगर हम उनको अगर कुछ सेल के ऊपर अगर कमीशन देते रहेंगे तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया वो है ना। फिर क्या? एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सेल चार्ज, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस, ये सब क्या है बोले दोस्तों? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, हमेशा रखना। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब क्या? ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड, मतलब हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, हमारे गुड्स के रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जरूरी, लेकिन क्या? बिजनेस चलाने के लिए जरूरी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलो ना, आप मुझे एक बात बोलो ना, मान लो कि अपना कोचिंग एकेडमी, राइट, है ना। और लेकिन ये कोचिंग एकेडमी मैंने क्या किया, मान लो एक अकाउंटेंट रखा है जो हमारे सब स्टूडेंट्स के कितनी फीस आई, कितनी गई, हर एक चीज है वो रिकॉर्ड करता है, राइट। अभी आप मुझे एक बात बोलो ना, अगर मैंने अकाउंटेंट को अगर मेरे बिजनेस में रखा भी नहीं तो भी मेरा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा बोलो? अगर मैंने अकाउंटेंट को ये सब चीजें करने के लिए नहीं रखा तो भी मेरा बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा बोलो? चल पाएगा, राइट। लेकिन ना फ्यूचर में जो भी मुझे उसके ऊपर इनकम टैक्स वगैरह भरना पड़ता है तो इसके लिए मुझे ये रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। अगर मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो शायद मेरे को आगे क्या हो सकता है बोलो? फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है बोलो, हमको हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है जल्दी से। लीगल चार्जेस, मतलब कोई लॉयर की वगैरह फीस अगर आपने दी होंगी तो। प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर्स फीस, सेकेंडरी पैकिंग, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब चीजें कहाँ पे जाएंगे बोलो? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कहाँ पे जाएंगे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, समझा। ओके, और अभी देखो राइट में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपको दिया है कमीशन रिसीव्ड, मतलब आपने कोई अगर सेल किया और उसके ऊपर अगर आपको कोई कमीशन मिला तो आपका इनडायरेक्ट इनकम है वो, हमेशा रखना। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो भी इनकम होता है दोस्तों वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होता है। कौन सा इनकम होता है बोलो बेटा जल्दी से? इनडायरेक्ट इनकम होता है, सही है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो भी रहता है ना
वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या होते हैं बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, इतना याद रखना बस, ठीक है। चलो अभी देखो और क्या लिखा है, देखो जल्दी से। उन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है, डिविडेंड रिसीव्ड है ना। अभी आप मुझे बोलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने कि बैंक में एफडी रखा है ना, आपने बैंक में एफडी किया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, ये कहाँ पे जाएगा बोलो? आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, समझा। या मान लो कि आपने कोई कंपनी के शेयर परचेस किए, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला, तो ये भी कहाँ पे जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, समझा। चलो बहुत अच्छा बात है। ओके, सॉलिसिटर फी मतलब क्या होता है, राइट? ओके, ध्यान देना दोस्तों, सॉलिसिटर फी मतलब कुछ नहीं है। सॉलिसिटर फी मतलब है ना, ये एज गुड एज आपके जो भी लॉयर की फी होती है ना, लीगल चार्जेस जो भी होते हैं ना, वैसी रहती है, ठीक है। सॉलिसिटर फी मतलब क्या है? जैसे आप लॉयर को फी देते हो, सॉलिसिटर फी मतलब ये आपके लीगल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या होते हैं बोलो? आपके लीगल एक्सपेंडिचर होते हैं, समझा। चलो आगे आगे क्या बोल रहे, देखो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीट्स है ना, ये सब चीजें कहाँ पे जाएंगी बोलो? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगी। क्या आपको इतना याद रहेगा क्या दोस्तों? क्या आपको इतना याद रहेगा क्या? थोड़ा थोड़ा याद रहेगा क्या बोलो? क्योंकि जब भी मैं आगे इसके आगे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो जब भी अपन इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आइटम कहाँ पे जाएगा, राइट? क्योंकि ये आपको अभी आना चाहिए, आपका इलेवंथ में आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था, फिर भी मैंने आपको एक ये एक बार अपन ने आंखों के नीचे से डाल दिया फॉर्मेट को, राइट? यहां तक क्लियर है क्या बोलो? यहां तक क्लियर है क्या बोलो जल्दी से, राइट? ओके, और अभी दोस्तों आपका लास्ट फॉर्मेट है जो है आपका बैलेंस शीट का, सही है। चलो अभी आप मुझे जल्दी जल्दी बोलो, राइट? बैलेंस शीट में सबसे पहले कौन से साइड रहते हैं बोलो? लायबिलिटी साइड और एसेट साइड रहेंगे, राइट? और लायबिलिटी में क्या रहेगा बोलो? सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल अकाउंट, राइट? अभी देखो हमेशा रखना दोस्तों, जो भी बैलेंस शीट रहता है ना, बैलेंस शीट उसका जो भी लायबिलिटी साइड रहता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है बोलो? दो पार्ट में, सही है। उसमें से सबसे पहला पार्ट रहता है दोस्तों जिसको अपन बोलते हैं ओनर्स लायबिलिटी। क्या बोलते बोलो? ओनर्स लायबिलिटी बोलते, राइट? और जो भी दूसरा पार्ट होता है दोस्तों, उसको अपन बोलते दोस्तों आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्या बोलते बोलो? आउटसाइडर्स लायबिलिटी बोलते, सही है। तो ओनर लायबिलिटी मतलब क्या? ऐसा पैसा जो हमारे पार्टनर को बिजनेस को देना है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? मतलब क्या, वापस बोलते हो, ओनर्स लायबिलिटी मतलब क्या? ऐसा पैसा जो हमारे बिजनेस को देना है, लेकिन किसको पे करना है बोलो? पार्टनर को पे करना है। किसको पे करना है बोलो? पार्टनर को, हमारे बिजनेस को पार्टनर को कुछ ना कुछ पैसा देना है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओनर्स लायबिलिटी बोलते हैं। ओनर्स लायबिलिटी मतलब दोस्तों कैपिटल होता है। क्या होता है बोलो? कैपिटल होता है, सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, जैसे लोन ऑन मॉर्गेज है, बैंक लोन लिया आपने, आपने किसी पार्टनर के पास से लोन लिया, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, जो भी आपका क्रेडिटर्स है, ये जो भी चीज है दोस्तों, ये सब की सब कहाँ पे जाती है बोलो? आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगी। कहाँ पे जाएगी बोलो? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगी, राइट? इतना समझा क्या रे गाइस? मुझे प्लीज रिस्पॉन्स करो कि आपको इतना समझा क्या? यस और नो, प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, चलो जल्दी से फटाफट। इतना समझा कि नहीं समझा अच्छे से? यस और नो बोलो जल्दी से, ठीक है। चलो अभी एसेट साइड में देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, राइट? अभी देखो एसेट जो भी ना, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहला होता है फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है करंट। देखो दोस्तों, मुझे पता है कि ये जो भी चीजें आपको, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, ये आपको आता है, मुझे पता है कि आपको आता है, आपको बहुत बोर भी होता रहेगा, मुझे पता है, एग्रीड है, मैं 100% एग्री, राइट? लेकिन गाइस, जब भी मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आपको 100% देना जरूरी है, सही है क्या? ध्यान में आ रहा है मैं क्या? क्योंकि जब तक मैं आपको फॉर्मेट नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे जाऊं और फिर आप वहां पे मुझे पूछेंगे सर ये कहां से आया, तो मैं आपको वापस नहीं ना बोल सकता ये चीजें, समझ रहे हो? तो इसलिए मुझे आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में क्या लिखा है, ये हर एक चीजें मुझे आपको बोलना जरूरी है, सही है। और अगर आपको बोर होता होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। चलो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी देखो एसेट्स में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे एसेट जो भी है दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, सबसे पहले होता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा फिर, आपका गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है ना, इक्विपमेंट्स है, फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो भी है, फिर आपका पेटेंट है, प्रीमाइसेस है, राइट? ये जो भी चीजें दोस्तों आपकी कहाँ पे जाएंगे बोलो? फिक्स्ड एसेट करके एसेट साइड में जाएंगे, राइट? और आगे कौन से आपके करंट एसेट, जैसे कौन से बोलो? क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स है ना, फिर आपका बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक का बैलेंस, ये जो भी चीजें आपकी कहाँ पे जाती है बोलो? आपकी जाएंगे एसेट साइड में, राइट? और एक बात हमेशा रखना, जब भी आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे आपको बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बोलो? बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना क्लियर है क्या बोलो? यस और नो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, इतना क्लियर है क्या? अरे यस और नो है ना, ये बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा दूंगा। इतना समझा कि नहीं समझा बोलो? प्लीज मुझे बोलो, इतना समझा कि नहीं समझा? यस और नो, ठीक है। चलो अभी ना गाइस, अपन क्या करेंगे, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, मुझे पता है, राइट?
लेकिन गाइस कि हमको है ना कौन से आइटम का इफेक्ट ये कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए हमको देखना है, क्या देखना है बोलो, कौन से आइटम का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जाएंगे राइट। चलो अभी एक काम करो आप लोग मुझे बोलो, ठीक है अभी एक काम करो आप लोग मुझे बोलो राइट, जो भी अपना क्लोजिंग स्टॉक होता है राइट, जो भी अपना क्या होता है बोलो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे जाता है बोल सकते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे जाएगा बोलो। तो सबसे पहले दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक जो भी होता है वो अपना जाएगा एक तो कहाँ पे बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा जाएगा दोस्तों बैलेंस शीट के एसेट में। कहाँ पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे जाएगा बोलो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा कहाँ पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में। सही है, अब एक काम करो सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, एक काम करो आपकी नोटबुक निकालो और वहां पे लिख के लो दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ, वहां पे लिख के लो आप जल्दी से इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इन क्या बोलो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इन क्या बोलो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सही है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों बहुत बार है ना आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, आपका जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा राइट, तो वो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में ना वहां पे आपको सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया होगा, कौन सा एडजस्टमेंट दिया होगा बोलो, आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया होगा राइट, और आपको एडजस्टमेंट उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में लिखा होगा, क्या लिखा होगा ध्यान देना, एडजस्टमेंट में लिखा होगा क्या लिखा होगा, ऑन 31st मार्च मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ, या ऐसे लिखो या एंड क्या, एंड बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 35,000 इसके बोलो 35,000 राइट। तो हमेशा रखना दोस्तों जब भी आपको एडजस्टमेंट ऐसे दिया होगा ना, दो वैल्यू दिएंगे ना क्लोजिंग स्टॉक की, तो आपको क्या करना है जो वैल्यू कम है ना उसको आपको कंसिडर करना है। क्या बोला मैंने, अगर आपको उन्होंने क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू दिए रहेंगे एडजस्टमेंट में, तो आपको क्या करना है दो वैल्यू में से जो भी छोटी वैल्यू रहेंगी ना वो वैल्यू को आपको लेना है, और वो वैल्यू को आपको पहला इफेक्ट कहाँ पे देंगे बोलो, आप पहला इफेक्ट देंगे दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट आप कहाँ पे देंगे बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में, दूसरा कहाँ पे देंगे बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में एज अ करंट एसेट राइट। ये दो इफेक्ट आप देंगे, समझा कि नहीं समझा बोलो, इतना समझा कि नहीं समझा प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, क्या आपको इतना समझा क्या, यस और नो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, क्या आपको इतना समझा क्या, यस और नो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, चलो जल्दी से फटाफट प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो गाइस। चलो ठीक है आगे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है अभी देखो आगे क्या बोल रहा है ध्यान देना हो दोस्तों, आगे देखो फटाफट क्या बोल रहा है वो फटाफट देखो जरा, यस आगे देखो क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर राइट ओके। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का जो भी एडजस्टमेंट है दोस्तों हमने एनपीओ में देख लिया करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे करंट ईयर में सामने वाले को 25,000 रुपए सैलरी देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको 20,000 ही सैलरी दिया, तो 5,000 रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया, तो जो भी मेरा करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है फिर मैंने वो पे नहीं भी किया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ऐड करना पड़ेगा, और मुझे वो पेएबल है देना बाकी है, मतलब मेरा क्या रहेगा बोलो लायबिलिटी रहेगा, तो क्या आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर तो आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा कि नहीं आएगा बोलो, एकदम इजी रहता है, आएगा कि नहीं आएगा बोलो जल्दी से, यस और नो बोलो। चलो आई होप आपको ये समझ आएगा राइट। चलो अभी तीसरा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंडिचर राइट। प्रीपेड एक्सपेंडिचर मतलब क्या रे, कि फॉर एग्जाम्पल मैं 2018 में हूँ, ठीक है मुझे ना दोस्तों 2018 में देने चाहिए थे 1,00,000 रुपया, कितना देना चाहिए था मुझे 1,00,000 रुपया पे करना चाहिए था, कुछ रीजंस की वजह से मैंने 1,20,000 पे कर दिया, कितना पे किया बोलो 1,20,000 पे कर दिया, सी ना। अभी आप मुझे बोलो ना मुझे देना कितना चाहिए था, मुझे देना कितना चाहिए था बोलो 1,00,000, दिया कितना 20,000, तो ये केस में आप मुझे बोलो ना जो भी ये 20,000 है क्या मैंने एक्स्ट्रा पे किया कि नहीं किया बोलो, जो भी है 20,000 क्या मैंने एक्स्ट्रा पे किया कि नहीं किया, मैंने ये एक्स्ट्रा पे किया, सही है। तो जब भी दोस्तों अपन एक्स्ट्रा पे करते तो हमारा वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होता नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसको हमको माइनस करना है, क्या करना है बोले जी हमको उसको माइनस, क्योंकि हमारे करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है राइट, और उसका बेनिफिट हमको आने वाले सालों में मिलेगा, तो अपन उसको क्या करेंगे बोलो एसेट में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको करंट ईयर का इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा 50,000 पे करना चाहिए था, आपने उसको 60,000 पे किया राइट, तो आपका करंट ईयर का इंश्योरेंस का खर्चा कितना है बोलो
50,000 है, तो जितना करंट ईयर का है ना उतना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। मतलब क्या, जो भी 60,000 है उसमें से 10,000 जो भी एक्सेस है उसको माइनस कर देंगे और ये 10,000 का बेनिफिट हमको आने वाले सालों में मिलेगा, तो उसको हम एसेट में डाल देंगे। उसको हम कहां पे डालेंगे, बोले एसेट में डाल देंगे। समझा कि नहीं समझा? अरे यस सर, इजी क्या नहीं, बोले जल्दी से। ठीक है चलो आगे। तीसरा क्या दिखाए देखो यहाँ पे जल्दी से। देखो यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। इसका मतलब बात को समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, अभी अपन आप कहाँ पे पढ़ रहे, बोलो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे, राइट। आपने क्या किया दोस्तों, मुझे 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ आपने क्या किया, ध्यान देना, आपने क्या किया दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ आपने मुझे सीए के सीपीटी का भी पैसा दे दिया। सीपीटी बोले या फाउंडेशन बोले, राइट। आपने मुझे क्या किया, फाउंडेशन का भी पैसा दे दिया, सही है। अभी आप मुझे बोलो ना, अभी आप कहाँ पे हो, 12th में, राइट। तो मैं आपको अभी सिर्फ किसके क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, बोलो 12th के क्लासेस पढ़ा रहा, राइट, समझ रहे हो। लेकिन 12th में रहने के बावजूद भी मुझे क्या हुआ, बोलो, आप 12th में हो लेकिन मुझे 12th के साथ साथ आपने क्या किया, अगला सीए का भी पैसा आपने दे दिया, सही है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा दोस्तों इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या हो जाएगा बोलो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा, सही है। अभी आप मुझे बोलो ना, क्या ये जो भी पैसा मुझे मिला है क्या वो मेरे करंट ईयर का इनकम है, क्या बोलो, नहीं है, राइट। तो हमेशा रखना दोस्तों, जब भी हमारे बिजनेस में हमको एडवांस में अगर कोई पैसा मिला होगा तो वो पैसा हमारे करंट ईयर का इनकम होता नहीं है, तो उसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, करंट ईयर के इनकम में से माइनस करूंगा और वो मेरा लाइबिलिटी होगा। मतलब मैं कहां पे डालूंगा, बोलो जल्दी से, उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में डाल दूंगा। कहां पे डालूंगा, बोलो जल्दी से दोस्तों, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में डाल दूंगा। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, बोलो जल्दी से, यस और नो, प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, चलो फटाफट। एक काम करे क्या गाइस, ने तो सुनो, एक काम करे क्या, सुनो, ये जो भी आइटम आपको दिया ना दोस्तों, यहां तक देखो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, पेज नंबर 20 तक, कहां तक बोलो, पेज नंबर 20 तक, क्या यहां तक आप एक बार प्लेन रीडिंग करके आएंगे क्या, बोलो। तो कल मैं आपको क्या करूंगा, फटाफट इसको पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे है ना ये हिडन एडजस्टमेंट के ऊपर ज्यादा टाइम जाएगा, राइट। हिडन एडजस्टमेंट के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, राइट। तो ये हिडन एडजस्टमेंट तक आप एटलीस्ट इतना पढ़ सकते क्या, बोलो, हिडन एडजस्टमेंट तक आप एक बार इतना पढ़ के आएंगे क्या, बोलो। अरे एकदम इजी है, एकदम इजी है। आपने, मैंने ना आपको बोलू क्या, एनपीओ ये चैप्टर जानबूझ के मैंने पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये जो भी हिडन एडजस्टमेंट है, ये जो भी आपका प्लस माइनस वाली चीज है, ये आपको समझ में है, ध्यान में आ रहा है क्या, इसलिए मैंने एनपीओ पहले लिया, क्योंकि एनपीओ की वजह से ना आपके अकाउंट का जो भी बेस है वो क्लियर हो जाता, पूरा समझ जाता आपको, ध्यान में आ रहा है क्या। तो क्या यहां तक आप पढ़ के आ सकते हो क्या, बोलो, हिडन एडजस्टमेंट के पहले तक, फिर यहां तक अपना हुआ है ना, आज कहां तक हुआ है, बोलो जल्दी से, अपना फोर्थ पॉइंट तक हुआ है, सही है ना। तो फोर्थ पॉइंट तक मैंने आपको पढ़ा है, फिर मैं क्या करूंगा कल के लेक्चर में, ये फिफ्थ पॉइंट से लेके लगभग 22 पॉइंट तक मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिफ्थ से लेके 20 तक आपको पढ़ा दूंगा, और आगे के जो भी हिडन एडजस्टमेंट है ना वो भी अपने हो जाएंगे। और कल अपन फिर अपने जो भी ये क्वेश्चंस, राइट, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो भी मैंने आपको पीडीएफ दिया, राइट गाइस, ये पीडीएफ में से ही मैं आपको सॉल्व करवा के लेने वाला हूँ, समझ रहे हो क्या। तो ये पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस मुझे फाइनल अकाउंट्स के आपको पास से सॉल्व करवा के लेने थे, उतने 10 के 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए, राइट, इतने 10 के 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल, 10 के 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। तो आप उतना कर सकते हो क्या, बोलो सिर्फ जल्दी से, जो भी मैंने आपको बोला है ना आज कहाँ तक पढ़ के आने, आपको पढ़ सकते हो क्या, बोलो जल्दी से, कहाँ तक पढ़ के आने को बोला है मैंने आपको, वो हिडन एडजस्टमेंट के पहले तक, उतना पढ़ के आएंगे क्या, बोलो। अरे एकदम इजी, बेसिक चीज है जो आपने इलेवन में पढ़ी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना गाइस, कि कुछ स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे, मतलब उनको नहीं आता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, सही है। तो क्या आप उतना पढ़ के आ सकते हो क्या, बोलो, फिर मैं कल आपको और डीप में लेके जाऊंगा, चलेगा क्या, है ना। कल 6 बजे अपन स्टार्ट कर देंगे गाइस, है ना। एप्लीकेशन का अगर होता है तो एप्लीकेशन के ऊपर कंटिन्यू करवाऊंगा, अगर नहीं होता है तो अनलिस्टेड वे से मैं कंटिन्यू करवाऊंगा, सही है। ये बेहतर से आपको समझ रहा, आपको यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। जो भी अभी मैं आपको यूट्यूब पे ये अनलिस्टेड करके ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, बोलो, वीडियो का बोलो, ऑडियो का बोलो, यहाँ पे कुछ आपको दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी से मुझे, प्लीज मुझे बोलो, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, यस और नो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं रहेंगी ना आपको, ओके। चलो फिर अपन कुछ सोचता हूँ मैं इसके बारे में, मेरे टीम से ही बात करता हूँ, वैसे आपको मैं कल बोल दूंगा, ठीक है। चलो गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं वापस बोल रहा हूँ, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया गाइस, प्लीज उतना एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। प्लीज जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया गाइस, प्लीज उतना अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और एकदम एनर्जी के साथ पढ़ो, मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, हर एक चीज आपका हो जाएगा, सिर्फ टेंशन मत लो, ठीक है।
चलो गाइस टाटा देन है ना, कल अपन मिलते हैं शार्प 6 बजे। कल कितने बजे क्लास होगी? शार्प 6 बजे क्लास होगी। आज मेरा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था इसलिए मैं 6:30 किया था, लेकिन उसके बाद भी वापस टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता राइट उसको, है ना। जब भी जरूरत गिरेगी तो अपन एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी आपके ले लेंगे, डोंट वरी ठीक है। चलो बाय गाइस, गुड नाइट है ना, प्लीज अच्छे से पढ़ना जो भी मैंने आपको बोला है, ठीक है, टाटा।